आपके पास Redmi A2 Plus, A2 कोई भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप डुअल क्लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। तो ये आप देख सकते हैं सिंगल क्लॉक आपका शो कर रहा है, तो आप दो जगह का टाइम एक साथ शो करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग का जो ऑप्शन है क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो डेट एंड टाइम का ऑप्शन है क्लिक कर लेंगे और स्क्रॉल कर लेंगे। डुअल क्लॉक आपका ऑन है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ऑफ रहता है तो आप इसको ऑन कर लेंगे, गॉट इट। और सेकंड क्लॉक जो आपका रहेगा वो आप रीजन यहाँ पे चेंज कर लेंगे कि कहाँ का आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको चार पांच जगह का टाइम शो करता है, तो यहाँ पे सिडनी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी का टाइम, ठीक है, और सिडनी का टाइम जोन आपको शो करेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बैक कर लेंगे, बैक कर लेंगे और यहाँ पे डुअल क्लॉक आपका शो हो जाएगा। अगर डुअल क्लॉक शो नहीं हो रहा है ना किसी भी रीज़न से, तो आप स्क्रीन पे टच करके क्या करेंगे, यहाँ खाली स्क्रीन पे टच करेंगे, विजेट का ऑप्शन है क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे स्लाइड करेंगे और ये रहा आपका डुअल क्लॉक। बस इसको ले जा के ना आपको ऐसे छोड़ देना है तो डुअल क्लॉक आपका सेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से स्क्रीन से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दिल्ली का टाइम है और एक आपके सिडनी का टाइम है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे 6:30 हो रहा है, यहाँ पे 11 बज रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे सेटिंग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।